नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल झारखंड झरोखा में। इस चैनल के माध्यम से हम आपको झारखंड के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराते हैं। आज का ये वीडियो आप सभी को बैद्यनाथ धाम की यात्रा में और आगे लेकर जाएगा। जैसा कि हमारे पिछले वीडियो में हमने आपको बताया कि बैद्यनाथ धाम एक प्रसिद्ध पौराणिक स्थल है जो भगवान शिव को समर्पित है। ये झारखंड राज्य के देवघर नाम के स्थान पर है। इस मंदिर के चारों ओर 21 अन्य छोटे छोटे मंदिर हैं। असुरों के राजा रावण शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने अपने 10 सिरों को काट कर अर्पण कर दिया था। उसके इस बलिदान से खुश होकर शिव जी ने एक वैद्य का रूप धरकर उसे पुनः ठीक कर दिया। शिव जी के इस कृत्य के कारण यह मंदिर बैद्यनाथ नाम से विख्यात हुआ। पुराणों के अनुसार त्रेता युग के समय लंका के राजा रावण को यह डर था कि उनके राज्य को बाहरी खतरों का डर है और उनका राज्य तब तक सुरक्षित नहीं हो सकता है जब तक भगवान शिव खुद वहां विराजमान न हो। महादेव को खुश करने के लिए उसने कठोर तप किया। उसके इस तप से खुश होकर महादेव ने अपना आत्मलिंग उन्हें दिया और साथ ही रावण को निर्देश दिया कि लंका ले जाने तक यह शिवलिंग को किसी को ना दे, ना ही कहीं पे रखे। अगर उसने कहीं भी इस शिवलिंग को रखा तो यह वहीं पे स्थापित हो जाएगा और हमेशा के लिए वहीं विराजमान हो जाएगा। रावण खुश होकर शिवलिंग को लेकर अपने साथ ले जाने लगा, पर सभी देवी देवता भयभीत हो गए। रावण इतना बड़ा असुर, अगर स्वयं भगवान भोलेनाथ उनके साथ चले गए तो उसकी आसुरी शक्ति और बढ़ जाएगी, जिससे वो अपराजय नहीं हो पाएगा और देवता कमज़ोर पड़ जाएंगे। इसलिए रावण को शिवलिंग ले जाने से असफल करने के लिए उन्होंने एक योजना बनाई। वरुण देव ने उनके पेट में एक विराट रूप ले लिया, जिसकी वजह से उसे तीव्र लघु शंका आ गई और गणेश जी ने एक साधु का भेष बनाकर रावण के समक्ष पहुंच गए। रावण ने जल्दबाजी में शिवलिंग उसे थमाकर लघु शंका के लिए चले गए। गणेश जी ने मौका पाकर शिवलिंग को धरा में स्थापित कर दिया। रावण को यह देख बहुत क्रोध आया। उसने आवेश में आकर अपने अंगूठे से जोर से शिवलिंग को दबा दिया, जिससे वो पृथ्वी में धसी हुई नजर आती है। बाद में उसने अपने इस कृत्य के लिए भगवान शिव से माफ़ी भी मांगी और शिव जी ने उन्हें माफ़ कर दिया। इस मंदिर में एक अनोखी बात दिखाई देती है। भगवान बैद्यनाथ जी के मंदिर और माता पार्वती जी के मंदिर के बीच लाल धागों से गठबंधन सा बंधा हुआ है, जो शिव और शक्ति के एक होने की निशानी है। सुबह के 4 बजे से बैद्यनाथ के कपाट खुल जाते हैं। बाबा धाम में प्रसाद के रूप में चूड़ा, इलायची दाना और पेड़ा दिया जाता है। बाबा बैद्यनाथ धाम रेलवे स्टेशन देवघर के समीप है, जहाँ से गाड़ी की निकासी जसीडीह जंक्शन से होती है। बाबा धाम में घूमने लायक और बहुत से जगह हैं, जैसे कि बाबा वासुकी नाथ, त्रिकुट पर्वत, रामकृष्ण मिशन विद्यापीठ, श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र सत्संग, नौलखा मंदिर, पसिंजर रोपवे, नंदन पहाड़ जैसे और बहुत से दार्शनिक स्थल भी देवघर के समीप हैं। सो फ्रेंड्स, होप कि आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा।
चलिए दोस्तों, ये तो हुआ कि वैद्यनाथ धाम में कहाँ कहाँ घूमा जाए और उसका इतिहास क्या है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब